अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। मैं प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ, ग्राम्य विकास मंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी समस्या नहीं है और हमारे बड़े योग्य देश के कृषि मंत्री हैं। मुझे दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं उनसे बात करूंगा और जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जब फिर हम आपसे मिलेंगे तो उसको शेयर करेंगे। मुझे अभी बहुत तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, मंत्री के रूप में मैं कोई ऐसा जवाब दूं जो हमारे लिए बेहतर न हो, तो मैं चाहता हूं कि जब फिर मिलेंगे तो उस पर चर्चा कहना चाहूंगा। फिरोजाबाद का विकास हो, फिरोजाबाद का कल्याण हो, उसमें आप भी खुश रहें, इसमें आपका सहयोग हो, यही कहना चाहूँगा। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आप दिल्ली जा रहे हैं ना, मैं आपके साथ चलता तो मुझे भी देखने का सौभाग्य मिलता कि सील है कि खुला है। मैं दिल्ली इधर गया नहीं इसलिए बता नहीं सकता कि दिल्ली कहीं से सील है या खुला है। मैं किसी भी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अब मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के विचार का, न भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम का, न उनके विकास का, न उनके स्वदेशी का। और जो बजट पेश हुआ है उस बजट में 75 साल के अपने बुजुर्ग पिता को जिस तरह से मोदी जी ने सम्मानित किया, जो अनादिकाल में हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते थे, उस सम्मान को मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने वापस किया और आने वाली पीढ़ी को बताया, अगर 75 वर्ष के बाबा का की सेवा करोगे तो इनकम टैक्स की जितनी छूट है वो मिलेगी और आपको ITR नहीं भरना पड़ेगा। तो इस बजट ने साबित कर दिया है कि हम कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट करेंगे, हम बहुआयामी विकास करेंगे और सारे बिंदुओं को छुआ है और 17% अकेले ग्राम्य विकास को दिया है। उन्होंने कोरोना के वैक्सीनेशन को, जिसको लोग चैलेंज मानते थे, हमने स्वदेशी वैक्सीन पैदा की और उसके लिए 36-37 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया कि निःशुल्क टीकाकरण कराएंगे ऐसे लोगों को जो उस टीके की धनराशि को जमा नहीं करते। अधिकारी ही नहीं, चाहे जो आदमी भ्रष्टाचार में पाया जाएगा योगी सरकार में, उसके खिलाफ विधि के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो।